कर रहे थे फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पॉलिश करके और लुब्रिकेशन का यूज़ करके। तो लुब्रिकेशन के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस का यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं हम, लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट ऑयल या ग्रीस जो होता है ये फिलअप कर देता है इरेगुलरिटी के अंदर को, सरफेस के अंदर जो इरेगुलरिटी है उनको ये क्या कर देता है, फिलअप कर देगा। द लुब्रिकेंट्स फिलअप द इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटी को ये फिलअप कर देगा ऑफ द सरफेस, मेकिंग देम स्मूथ। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा दो सरफेसेस के बीच का कम, क्योंकि जितनी रेगुलरिटी कम होगी उतनी इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड मेथड जो है बाय स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइन करके भी हम जो है फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर जो होता है उसको कंसिडरेबली हम रिड्यूस कर सकते हैं शेप को स्ट्रीमलाइन बना करके। स्ट्रीमलाइन जैसे एरोप्लेन, जेट प्लेन जो होते हैं या जो नाव हमारी होती है, आगे से हम उसकी जो शेप है उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पॉइंटेड बना देते हैं, इस तरह से स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो इससे भी हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय यूजिंग बॉल बैरिंग, बॉल बैरिंग का यूज करके हम जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे फ्रिक्शन जो है वो कुछ कम हो जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, पॉलिश करके, लुब्रिकेशन का यूज करके, शेप को स्ट्रीमलाइन करके और बॉल बैरिंग का यूज करके हम जो है फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देखो पिछली यूनिट में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी किया था, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये इसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल, वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाता है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये फोर्स कैसे लगेगा, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग लगता है हमेशा एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर हम ये कंसीडर करें ओ जो है सेंटर है सर्कल का, तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पर चेक करें या इस पॉइंट पर चेक करें या इस पॉइंट पर चेक करें, ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं हम। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो v, और रेडियस अगर हम कंसीडर करें इसका r, अगर रेडियस कंसीडर करें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था v² / r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू m × a। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, v² / r। देन दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, या इसी को अनदर फॉर्मूले के टर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। ए का फॉर्मूला हम m r ओमेगा स्क्वायर पुट करें अगर, या
इसको हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में पुट करो तो डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे जो कि हमने एक्सेलरेशन के लिए निकाले थे। तो मीनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, और हमेशा किधर लगता है, टुवार्ड द सेंटर, और रेडियस वेक्टर के अलोंग लगता है हमेशा सेंटर की तरफ। तो इस सेंटर सीकिंग फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ हमारे पास एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स कौन सा है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, इसका बिल्कुल रिवर्स है। कोई भी फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से अवे लगता है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी रेडियस वेक्टर के अलोंग लगता है और ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, लीनियर मोशन में जो है ये कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स विच कैन कन्वर्ट सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इनटू लीनियर मोशन, या विच कैन डेविएट ए बॉडी फ्रॉम इट्स सर्कुलर मोशन टू लीनियर मोशन। ठीक है, ऐसे जो फोर्स है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे वही रहेगा सेम, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब जो कुछ एप्लीकेशन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमारे पास गिवन है, राउंडिंग ए लेवल सर्कुलर रोड, या मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एक्चुअली हमें जो है सेफ स्पीड का निकालनी होती है, सेफ स्पीड व्हीकल की जो है या कार की जो है सेफ स्पीड हमें निकालनी है। हम ये कंसीडर करते हैं कोई भी हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, थोड़ा आर्क के फॉर्म में दिखाते हैं इसका, ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस हम कंसीडर करते हैं आर। इसका जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का वो कितना है, आर रेडियस है। और एक कार जो है यहाँ पे लेवल है, सबसे पहले इनर एज और आउटर एज जो है वो दोनों एक लेवल में है। ये कार कोई भी मूव करते वी वेलोसिटी के साथ, तो इसका वेट जो लगेगा वो नीचे की तरफ एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन जो है नॉर्मल टू द सरफेस आर लगेगा। और जब सर्कुलर ट्रैक के ऊपर गाड़ी एकदम से मूव करेगी तो वो बाहर की तरफ स्किड करेगी, थोड़ी सी स्लाइड करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मीनिंग कार अगर मान लो वी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, अगर हम ये सपोज करें जो वेलोसिटी है वी जो है वो दैट इज वेलोसिटी ऑफ द कार, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ कार, एम मास ऑफ कार है, मास ऑफ द कार, और आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ पे जो फोर्स जो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कल में घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा आर, आर देखो आर किसके को लाएगा एम जी के, क्योंकि आर जो है वेट को क्या करेगा इसके बैलेंस करेगा। अब यहीं से अगर हम क्वेश्चन देखें, हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं कैपिटल एफ से लिख देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स को, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसका हमने फॉर्मूला किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। म्यू अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एफ क्या आएगा, म्यू इनटू आर आएगा,
एफ क्या आएगा म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू हमारे पास है एम जी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा म्यू, आर की जगह क्या पुट कर दो एम जी पुट कर दो, तो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया है। और जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड किया वो किसने प्रोवाइड किया, एक तरह से जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा किसने किया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। तो इसका मीनिंग जो हमारा कार जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें मिला उसकी वजह से मूव करेगी, यानी कि फोर्स ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एम वी स्केयर डिवाइड बाई आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो सेफ स्पीड निकालनी है हमें, वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू जी, और स्केयर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा, यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी, सेफ स्पीड आ जाएगी किसी कार की जो एक सर्कुलर ट्रैक पे जो है मूव करेगी। एक टॉपिक और हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, सेफ स्पीड निकालते हैं बैंक रोड के ऊपर। अब बैंक रोड क्या होता है, सबसे पहले कार्ड पाथ है हमारा, ये लेवल रोड था, हम क्या करते हैं आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, इंक्लाइंड बना देते हैं प्लेन को, ठीक है। तो मान लो ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा एंगल थीटा बना हुआ है यहाँ पर, तो ये जो हमारा रोड बनेगी एक ऐसी रोड बनेगी बैंक रोड, यानी कि आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दो तो हमारी जो प्लेन आएगा वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम बैंक रोड। अब जो बैंक रोड हमारे पास है, रेडियस हमने इसका आर लिया हुआ है, यहाँ पर अब कोई भी कार मूव करती है अगर, तो डिफरेंट फोर्स कौन कौन से लगेंगे, सबसे पहले इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस लगता है आर, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट यहाँ पर आएंगे हमारे पास। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ वेट वाली लाइन को, वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये एंगल भी हमारा कितना बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो एक कंपोनेंट तो आर का जो आएगा इधर आएगा ऊपर की तरफ आर कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इधर सेंटर की तरफ आएगा, ये आएगा आर साइन थीटा। ऐसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा सरफेस के अलोंग जो लगा हुआ है, देखो डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, दोबारा देखिए डायग्राम में, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो थीटा एंगल बनाता है, वेट जो लगेगा वेट एम जी, यहाँ पर जो है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा आर, और ये एंगल हमारा कितना आएगा थीटा, और इस लाइन को ऊपर की तरफ हमें बढ़ा देना है एज इट इज वेट वाली लाइन को, तो ये इधर हमारा जो है ये एंगल भी कितना आएगा थीटा आएगा, तो इधर आ जाएगा आर कोस थीटा। और जबकि दूसरा कंपोनेंट जो आर का आएगा वो वर्टिकल के साथ 90 डिग्री पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर आएगा, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आर साइन थीटा आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इधर लगा हुआ है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है एफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर इधर लगा है तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे, एक कंपोनेंट देखो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल भी हमारा कितना बनेगा थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आ गया एफ कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है इसके साथ ना, क्योंकि फोर्स की फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे की तरफ एक तरह से, तो दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट के अलोंग,
तो ये आएगा एफ साइन थीटा। तो सबसे पहले काम क्या है, हमें कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है इसको, पूरे पार्ट को। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट फोर्स जो लगे हैं वो कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं। अगर मैं ये कंसीडर करूँ वी जो है वेलोसिटी है कार की, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ कार, कार की वेलोसिटी, और एम इसका मास है कार का, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फोर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले सेंटर की तरफ हमारा कौन कौन सा फोर्स लगा हुआ है। सेंटर की तरफ दो फोर्स लगे हैं, एक तो लगा हुआ है आर साइन थीटा, एक लगा हुआ है एफ कोस थीटा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये दोनों कंपोनेंट, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ लगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर है। और ये कौन कौन से फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो आर साइन थीटा ये देखो, और दूसरा सेंटर की तरफ क्या लगा हुआ है, एफ कोस थीटा लगा हुआ है। तो ये दोनों जो फोर्स है ये हमें कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मीनिंग एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। अब यहाँ पर एक और हम केस कंसीडर करते हैं, दूसरा जो फोर्स लगा हुआ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है आर कोस थीटा लगा हुआ है, ये देखो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है। और जबकि नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है, एक तो लगा हुआ है एम जी वेट और दूसरा लगा हुआ है एफ साइन थीटा, ठीक है। ये दो फोर्स हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम जो है एम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम जी इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे इधर से क्या आएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू जी दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम फॉर्मूले को। देखो ऊपर एक तो डिवाइड कर दो कोस थीटा से, ऐसे ही नीचे भी कोस थीटा से, या आर कॉमन ले लो पहले ऊपर से। आर अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस में एफ, इसमें से भी आर कॉमन लेना तो डिवाइड हो जाएगा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड में भी आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा कोस थीटा माइनस में एफ डिवाइड बाई आर साइन थीटा। आर से आर कैंसिल। अब देखो एफ बाई आर होता है म्यू, एफ बाई आर जो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू। तो इसको अनदर वे में हम राइट कर सकते हैं, आर जी वी स्केयर अपन आर जी दिस इज इक्वल टू, इसको पूरे को ऊपर और नीचे दोनों जगह कोस थीटा से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा, प्लस में एफ डिवाइड बाई आर को हम लिख सकते हैं म्यू, डिवाइड में कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा ये वन बनेगा, और बीच में है माइनस एफ डिवाइड बाई आर म्यू बन जाएगा, और साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी क्या आएगा, आर जी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर इंटू जी, और ब्रैकेट में इसके साथ क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। ये टर्म थी, इधर स्केयर था इसका देखो स्केयर, और इधर स्केयर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा। तो ये हमारी आएगी सेफ स्पीड ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। तो सबसे पहले आपका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिफरेंट जो फोर्स लगे हुए हैं उन फोर्सेज को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे और कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। फिर देखेंगे सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स लगे हुए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के को रख देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड करके हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। तो ये जो हमारी आएगी ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आ जाएगी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी भी ज़्यादा है ज़्यादा इतनी वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेफली मूव कर सकता है, अदरवाइज जो है ऑब्जेक्ट स्किड कर जाएगा। अब अगर यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम जीरो ले लें, भी फ्रिक्शन को अगर हम इंक्लूड ना करें,
ठीक है, स्मूथ जो है अगर हम बैंक रोड लेते हैं, इफ बैंक रोड इज स्मूथ, स्मूथ है तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा वी के लिए, म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आर जी टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आर जी टेंजेंट थीटा, और नीचे जो है म्यू को जीरो पुट करेंगे तो वन बचेगा तो वन को एज इट इज, तो ये हमारी सेफ स्पीड आ जाएगी किसके ऊपर, जब हमारी बैंक रोड तो है बट फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं निगलेक्ट कर रहे हैं, तब हम ये सेफ स्पीड वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, अच्छे से करेंगे इसको, इसके बाद हम जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।